लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल कर दिया है। बारिश से सड़कों पर सैलाब सा गया, कई इलाके पानी में डूब गए हैं। चिंता की बात यह है कि मौसम की ऐसी मार दिल्ली एनसीआर में एक दो दिन और जारी रह सकती है। और सबसे बुरा हाल गुरुग्राम का है, जहां पर सड़कें समंदर से बन गए हैं और आईटी हब भी है। यहां पर दिल्ली से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दफ्तर के लिए जाते हैं, लेकिन हाल बेहाल है। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है, क्या दिल्ली, क्या नोएडा, क्या गुरुग्राम, हर ओर सैलाब छा गया है। पानी का तेज बहाव तमाम इलाकों को डुबा गया, फिर कहीं सड़कें डूबी, कहीं गाड़ियां और कहीं मकानों में पानी भर गया। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है, जहां लगातार बारिश से सड़कों को तालाब बना दिया है। गाड़ियों से भी लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि घरों से निकल रहे लोग मौसम की मार झेल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। जो सिविक बॉडीज का कामकाज रहा है, उसने इस पूरे इलाके को स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया है, और जो आसपास के इलाके के बच्चे हैं वो इसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल की तरह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या हालात हैं यहाँ पे, किस तरह से लोग ट्रैक्टर से निकल रहे हैं, सड़क पार करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सुभाष चौक का इलाका है, और अगर आप ट्रैक्टर में नहीं होंगे तो आपकी हालत कुछ इस तरह से होगी। आप देखिए कितनी मुश्किल से वो साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लगातार बंद होती जा रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बारिश ने साइबर सिटी में कोहराम मचा दिया। स्मार्ट सिटी की सारी चमक बारिश ने फीकी कर दी। हाल ये है कि शहर की समृद्धि पर इतराने वाले लोग अब सिस्टम को कोसने लगे हैं। ये जल जमाव पे राजनीति क्यों? राजनीति हो रही है ये। मेरी गाड़ी खराब हो गई, जेसीबी में चढ़ के मैं उतर के यहाँ पे पहुंची हूँ। शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये सुभाष चौक है, गुड़गांव का हार्ट है। करोड़ों रुपए के यहाँ पे आपने रोड बना दी, लाखों रुपए के आप टैक्स कलेक्ट कर चुके हो। ये हाल है, देखिए मुझे गाड़ी से मेरे को कोट पहन के उतरना पड़ा कि मैं बारिश से बच सकूं। डब्बा लेके घूम रही है, क्या वजह है? ये टप इसलिए घूम रहे हैं, अगर कोई छोटा बच्चा पानी में डूबता है तो हम इसमें बिठा के उसकी मदद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ। इसलिए ये टप हमने जरूरत हमें पड़ी कि बच्चे डूब गए तो हम कैसे उठाएंगे, तो इस टप को उल्टा करके हम ऐसे इसको ऐसे तैरा देंगे ऐसे करके, और इसमें बच्चा ऊपर चला जाएगा। नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा, सड़क दरिया बन गई है। कई जगहों पर गाड़ियों का टायर पूरी तरह से पानी में डूब गए। आवासीय क्षेत्र हो या व्यवसायिक व्यापारिक क्षेत्र, सब तालाब बन गए। ये मुसीबत बारिश से बरसी है, लेकिन क्या सिर्फ कुदरत जिम्मेदार है, या फिर वो सिस्टम जिसने हाईवे तो बनाए, गगनचुंबी इमारतें तो बनाई, लेकिन पानी निकालने का रास्ता नहीं छोड़ा। दिल्ली एनसीआर में भी एक और दिन मौसम की ऐसी ही मार के आसार है। साफ है कि यहाँ के लोगों के लिए अभी मुसीबत बेशुमार। गुरुग्राम से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।